नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और ये आज मेरा शायद पांचवा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो मैंने टेंस का दिया था, दूसरा मैंने पैसिव का फर्स्ट पार्ट दिया था, तीसरा मैंने वन वर्ड दिया था और वन वर्ड का पार्ट वन था, और ये चौथा जो है वन वर्ड का पार्ट टू था, और आज जो है ये मेरा पांचवा वीडियो है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, मतलब ये जो है एक एप्लीकेशन आपके क्वेश्चन नंबर 14, आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखने को आएगा जो किसी भी टॉपिक पर आ सकता है। आज मैंने दो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं, तो ये सब्जेक्ट चेंज करने का ये पहला टॉपिक। तो इसमें डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, आपको अपना नाम और पता इसमें नहीं लिखना है। तो अगर मैं लिखता तो बहुत समय लग जाता, आपको नोट करके इसको याद ही करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। टू द प्रिंसिपल, फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, टू द प्रिंसिपल सरदार पटेल स्कूल पटेल नगर आगरा, इसमें एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस आपको अपना नाम ही एड्रेस करना है, अपना नाम और एड्रेस नहीं मेंशन करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अप्लीकेशन फॉर परमिशन टू चेंज सब्जेक्ट। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। आई ऑप्टेड, मतलब मैंने चुना है, फॉर साइंस इंस्टेड ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के स्थान पर मैंने साइंस चुन लिया है, एज ऑप्शनल हाउ एवर आई स्टडीड इट फॉर ए कपल ऑफ वीक्स, मैंने मतलब कुछ दिनों तक इसकी पढ़ाई की, एंड फाउंड दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेल, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ। आई सीम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और मुझे बहुत कठिनाई लग रही है इस सब्जेक्ट। आई विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं अच्छे नंबर इसमें नहीं पा सकूँगा। बिसाइड्स मतलब होता है कि अतिरिक्त, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। आई कैन नॉट अफोर्ड टू इंगेज अ ट्यूटर इन साइंस, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि साइंस का मैं एक टीचर भी नहीं रख सकता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स, की मेरा सब्जेक्ट मतलब साइंस के जगह पे आप कॉमर्स कर दीजिए। आई हैव ऑल्सो सॉट मैंने मांगना होता है, आई हैव सॉट परमिशन फ्रॉम द सब्जेक्ट टीचर्स, मैंने उस विषय के शिक्षकों से अनुमति मांग ली है, एंड दे हैव ग्रांटेड मी परमिशन, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, उनको कोई मतलब ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई उनको रुकावट के लिए मतलब रोक भी नहीं रहे हैं। फॉर दिस फेवर ऑफ योर्स, तो मतलब आपकी सहायता से आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। योर ओबीडियंटली नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आपको लिखना है। तो इस तरह का आपका पहला ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओबीडियंटली की स्पेलिंग आप लोग गौर से, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आपकी खत्म हो जाती है। आइए दूसरे एप्लीकेशन को देख लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे है और ये है आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसी को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको आएगा लिखने के लिए कि अपने टीसी निकलवाने के लिए या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आप जो है एक एप्लीकेशन लिखिए। तो आपको किस तरह से लिखना है आइए बता देते हैं। मैं लिख भी सकता था, उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं मतलब वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये लिख रहा हूँ, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो नोट्स बना रहे होंगे, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। तो देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम और आपका एड्रेस नहीं लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अप्लीकेशन फॉर TC, यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या ऑब्लिक करके आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं, कुछ जो कुछ भी आपकी इच्छा हो। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट,
मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैव कम्प्लीटेड माई क्लास 10th विद 82% मार्क्स फ्रॉम योर स्कूल। मैंने आपके विद्यालय से 82% अंक प्राप्त करके परीक्षा पास कर ली है। किसकी? 10th क्लास की। इन जुलाई 2021 मतलब जुलाई 2021 में मैंने पास किया। नाउ आई नीड TC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग से मतलब दोनों में से कोई एक की आवश्यकता है फॉर फर्दर स्टडीज़। फर्दर मतलब होता है आगे की पढ़ाई के लिए। अब मुझे जो है मतलब TC की आवश्यकता है। सर आई हैव ऑल्सो क्लियर माई ड्यूज इन द लाइब्रेरी सेक्शन डिपार्टमेंट, नाउ आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज। मतलब अब मेरे पास कोई मतलब आपके स्कूल का कोई पैसा नहीं बकाया है। जितनी ड्यूज मतलब होता है उधारी, मतलब जितना भी पेमेंट था वो मेरा क्लियर है। तो देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मैं आपसे इसलिए देयर फॉर मतलब होता है इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसको आप इशू कर दीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं बहुत ही आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू योर सॉबिडेंटली, यहाँ आपको नाम लिखना नहीं है, योर क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर कुछ भी बना के लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो आपके एप्लीकेशन तैयार हो जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले जो आपको ये लिखवाया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू परमिशन ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द स्कूल, ये आपके सन 2017 DLED में पूछा गया है। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का मैंने रखा था, और ये जो मैंने लिखवाया है ये अपने मन से लिखवाया है, ये इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको इंग्लिश में और कौन सी दिक्कत है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप अपनी समस्या बताइए, नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊँ ये भी आप बताइए, और इन चैप्टर्स में जो दिक्कत हो पैसिव वाइज टेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन चारों वीडियोस में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, मैं उनको हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप स्टडी विद राज चैनल में आए, आपने मुझसे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।